बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद हमारे साथ हैं। सर, कांग्रेस पार्टी ब्लैक पेपर लेकर आई है, श्वेत पत्र सरकार तो लाई ही है, संसद में ला रही है। ऐसा है, अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए ब्लैक पेपर ले आ रहे हैं, ब्लैक डीड को छुपाने के लिए ब्लैक पेपर। लेकिन इन हारे हुए हताश लोगों से क्या उम्मीद की जाए? प्रधानमंत्री ने अपने दोनों सदनों के भाषण में एक एक चीज आंकड़ों से रखा है। श्रद्धावान राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में एक एक आंकड़े से रखे हैं, कितनी सड़कें बनी हैं, कितने गांव में बिजली गई, ग्रामीण सड़कें बनी, क्या पूंजी निवेश हुआ, भारत कैसे दुनिया की पांचवी इकोनॉमी बन गया, भारत में कैसे हाईएस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी ताकत बन गया, आज भारत में जेट इंजन बन रहे हैं, बोइंग कंपनी आ रही है, किसानों के विकास में क्या क्या गया है, बिचौलिए बंद हो गए हैं, 10 करोड़ बिचौलियों को निकाल दिया गया है जो पूरे सरकार का लाभ लेते थे। तो इतना कुछ सुनने पर भी कांग्रेस पार्टी अगर नहीं सुनती है तो मैं एक ही बात कहूंगा, अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने काले कपड़े के साथ साथ आंखों पे पट्टी भी लगाई है तो हम क्या कर सकते हैं? तमाम बातों का जिक्र वो कर रहे हैं, कैसे महंगाई ऊंचे स्तर पर है, और कुछ आंकड़ों के सहारे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रोजगार उस लिहाज से नहीं बढ़ा। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह कहा है कि नहीं कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में लगभग 17-18 करोड़ लोग जुड़े हैं। कौन जुड़ते हैं? जो एम्प्लॉयमेंट में वही जुड़ते हैं ना। भारत में नेशनल हाईवे बन रहा है कि नहीं, सड़कें बन रही हैं कि नहीं, भारत दुनिया की सेकेंड बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बना है कि नहीं, 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के बन रहे हैं कि नहीं, आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। देखिए, उनकी परेशानी हम साफ साफ बोलना चाहते हैं। अगर वो समझते हैं कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं होगी तो और सख्त होगी। हमारे प्रधानमंत्री साफ कहे हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। आज 1 लाख करोड़ रुपये निकले कि नहीं, उनके रिकवर हुए कि नहीं? राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं काफी समय से। देखिए, राहुल गांधी को हमने गंभीरता से लेना बंद कर दिया है, देश ने भी बंद कर दिया है। लेकिन आजाद है तो घूमते हैं तो घूमे, कोई दिक्कत नहीं, और बोले, और शायद वो जितना बोलते हैं उतना ही कांग्रेस का वोट घटता है और मोदी जी के प्रति लोगों का सत्कार बढ़ता है। बहुत धन्यवाद। रविशंकर प्रसाद ये कह रहे थे कि जो ब्लैक डीट को छुपाने के लिए एक तरह से ब्लैक पेपर लाया है, और कांग्रेस और कर कह सकती है कांग्रेस के नेता हताश और निराश हैं। कैमरामैन मनोज के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD News, दिल्ली।